आज हम सीखने वाले एम्बुलेंस का ड्राइंग, तो हमारे पास ये प्रकार है और स्केल। हम 4 इंच तक लाइंस ड्रॉ करेंगे पहले और उसका बेस बनाएंगे। यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ कर लिया। अब प्रकार की सहायता से व्हील ड्रॉ करते, उसके पहिए ड्रॉ करते, तो दोनों साइड में ड्रॉ कर लिया और आगे की ओर भी बढ़ा लेते हैं, पीछे भी बनाएंगे, तो सेम एज इट इज़ लाइन आगे और पीछे। तो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के व्हील के साइड से 2 लाइन उसको ज्वाइन कर देते हैं। लाइट लाइट ड्रॉ करना है और उसके ऊपर से एक हाफ सेमी सर्कल टाइप से हम ज्वाइन कर देते हैं। उसके अंदर वापस छोटे छोटे 2 व्हील बनाएंगे। यहाँ से हम उसकी बॉडी बनाएंगे, तो एक रेक्टेंगल टाइप से हम पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर बना लेते। आगे गाड़ी का फेस बनाते हैं, यहाँ से स्लांटिंग लाइन और इसे ज्वाइन कर देते। यहाँ पे हम उसका डोर बनाने वाले हैं, यहाँ से स्लांटिंग लाइन और नीचे तक लाइंस लाना है। यहाँ पे मिरर ड्रॉ करेंगे और कर्व करते हुए व्हील के पास से ज्वाइन कर देते। यहाँ पे डोर की लाइन, अब इतना हो गया। यहाँ पे हैंडल बनाते। अब यहाँ पे पीछे के साइड में एक बड़ा सा दरवाज़ा बनाएंगे, एक बड़ा सा डोर ड्रॉ करते हैं एम्बुलेंस का। तो दोनों लाइन सेम साइज में होना चाहिए और लाइट लाइट ड्रॉ करना है स्केल के सहायता से, या फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंबल बनाएंगे एक, तो इसलिए वो प्लेस बना दिया है। पर हम उसका हेडलाइट और ऊपर के साइड में भी लाइट बना लेते हैं। पूरे ड्राइंग को लाइट लाइट ड्रॉ करना है, बहुत प्रेशर दे के नहीं बनाना है। यहाँ पे सिंबल हो गया। बाद में हमारा डिज़ाइन यदि हमें चेंज करना है तो हम हमारे हिसाब से भी बना सकते हैं, और ऊपर की जगह में हम एम्बुलेंस लिखेंगे। यहाँ ये जो ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेड कलर्स करने वाले, इसलिए डिज़ाइन बना रहे हैं। हमारे हिसाब से भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं एम्बुलेंस के ऊपर। यहाँ पे भी डिज़ाइन टाइप से बॉक्स बनाते और सारे पार्ट कर्व करेंगे, गाड़ी का सारे पार्ट को करना है। और पूरा बैकग्राउंड में भी हम अलग से चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बूज ड्रॉ किया, यहाँ बिल्डिंग भी बना सकते हैं या माउंटेन वगैरह। तो हमारा इमेजिनेशन हमने ऐड करना है। पूरा ड्राइंग हो जाने के बाद हमें हल्के हाथ से इरेज कर लेना है, क्योंकि वाटर कलर करने वाले। यहाँ पे यदि हमें ऑयल पेस्टल कलर करना है तो ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन पहले करेंगे, लेकिन हम वाटर कलर कर रहे हैं इसलिए वॉश किया, उसे सूखने देना है, क्योंकि कलर एक दूसरे में मिक्स होना चाहिए। सूखने के बाद हमें कलर स्टार्ट करना है, तो कलरिंग करते समय ध्यान से कलरिंग करना है। यहाँ पे नीचे हम ग्रे कलर करते हैं, जो पहले बेस बनाया था। यदि यहाँ पे दूसरा कलर करना है तो भी हम कर सकते हैं, हमारी चॉइस के हिसाब से भी। और जो स्काई है ऊपर, तब तक हम ऊपर कर लेते, नीचे का गीला है, सूख रहा है नीचे का, तब तक ऊपर में कलरिंग करते। जब ऊपर का सूख जाएगा फिर उसके बाद उसके ऊपर दोबारा हम काम करेंगे। तब तक हम नीचे के साइड में भी जो ग्रीन पार्ट करना है उसे कलरिंग कर लेते। थोड़ा मिडल शेड में करना है, क्योंकि बाद में उसमें पानी मिक्स किया तो लाइट शेड हो जाता है, थोड़ा सूखने के बाद वो लाइट शेड में आ जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मिडल शेड करना है। स्काई के लिए वापस थोड़ा सूख गया था, उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क शेड कर दिया। अब जो डिज़ाइन बनाया था उसके अंदर हम रेड कलर्स कर देते हैं। रेड कलर हो जाने के बाद नीचे का भी पार्ट में हम कलर कर लेते हैं ब्लैक कलर, और यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज शेड, यहाँ पे रेड और ब्लू शेड कर देते हैं। जो व्हील बना है, व्हील के अंदर हमने पर्शियन ब्लू और डार्क ग्रीन शेड को मिक्स करके शेड बनाया, ओरिजिनल ब्लैक कलर नहीं यूज़ किया। पॉइंट वाले ब्रश से काम करना है, बहुत बड़ा ब्रश भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, हम 8 नंबर 10 नंबर के ब्रश से काम कर सकते हैं राउंड ब्रश के सहायता से।
तो ये छोटे छोटे सर्कल में भी हमने कलर कर लिया है। अब जो ऊपर का लाइट है उसमें ऑरेंज और रेड शेड मिक्स करके थोड़ा लाइट शेड करते हैं, और ऊपर का जब तक गीला है तब तक नीचे के साइड में हम रोड के लिए ग्रे शेड में कलरिंग कर लेते हैं। और ग्रे शेड बनाने के लिए जो ब्लैक कलर है उसी में थोड़ा सा पानी का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रे कलर बन जाता है, इसमें वाइट मिक्स नहीं करना होता है, तो ये चीज़ें भी ध्यान देना है। वाटर कलर में ओरिजिनल ब्लैक और वाइट कलर का यूज़ नहीं के बराबर होता है। जो हमारी जो गाड़ी बनी है वो गाड़ी के अंदर हम पेपर का ही वाइट रहने देने वाले हैं, अलग से कलर नहीं करने वाले। यदि हमें कलर करना है तो हम दूसरे शेड का यूज़ करके कलरिंग कर सकते हैं। जो ग्रास बनाई है वो ग्रास में सैप ग्रीन कलर का यूज़ किया है। स्ट्रोक ध्यान से देखना है किस टाइप से लगा रहे हैं, और हल्के हल्के हाथ से करना है, बहुत दबा दबा के नहीं कलरिंग करना है। अब नीचे का गीला है तब तक हम ऊपर के पार्ट में स्काई बना लेते हैं लाइट शेड में। पूरा अच्छे से कलरिंग हो जाने के बाद उसे सूखने देने का है, थोड़ा रुकना है क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर कलर किया है। सूख जाने के बाद हम पूरा का पूरा आउटलाइन ब्लैक स्केच पेन से कर लेंगे। अब पूरा ड्राइंग को हम अच्छे से आउटलाइन कर लेते हैं ध्यान से, वापस स्केल से कर सकते नहीं तो फ्री हैंड भी हम आउटलाइन बना सकते यदि हमें अच्छे से आउटलाइन करते आ गया तो, नहीं तो स्केल यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से हम पूरे ड्राइंग में अच्छे से आउटलाइन कर लेते हैं, और जो ग्रास बनाई है बुश बनाई है उसमें भी कर लेंगे। और ये सब हो जाने के बाद गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस हम रेड कलर से लिखेंगे, यहाँ पे हम एम्बुलेंस लिख लेते हैं। तो फॉन्ट साइज़ एक जैसी होना चाहिए, बहुत छोटे बड़े नहीं, और सुंदर अक्षर होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान देना है। ये लिखने के लिए हम रेड कलर का स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से हम एक सुंदर सा एम्बुलेंस का ड्राइंग बना सकते हैं। आपको ड्राइंग कैसा लगा है आप लाइक कमेंट करके बताइए, और आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाले नए वीडियो आपको समय पे मिलते रहें। आप हमको प्रिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।